वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको goibibo का लिंक दिया है, आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके लिए आप साइन अप पर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड डालने का। अगर आप न्यू हैं तो आपके पास यहाँ ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना है और साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में फ्लाइट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्लाइट्स में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप सिर्फ वन वे का टिकट बुक करना चाहते हैं तो वन वे चूज करेंगे। राउंड ट्रिप के लिए आप यहाँ राउंड ट्रिप चूज करेंगे। और अगर आप मल्टी सिटी का बुक करना चाहते हैं, जो फ्लाइट कई सिटीज में रुकते हुए जाती है, तो आप यहाँ मल्टी सिटी पर क्लिक करेंगे। चलिए हम वन वे का बुक करना चाहते हैं। सबसे पहले फ्रॉम कहाँ से आप फ्लाइट लेना चाहते हैं, इसमें यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं दिल्ली। कहाँ पर आपको जाना है आप यहाँ पर डेस्टिनेशन डालेंगे। इसमें आप कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लोकेशन डाल सकते हैं। goibibo ऐप से आप नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर आप नेशनली कहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जयपुर, मुंबई, भोपाल, जहां भी आप जाना चाहते हैं वो लोकेशन डालेंगे। और अगर आप इंटरनेशनली कहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी इंटरनेशनल लोकेशन डालेंगे। जैसे कि अगर हम कुवैत जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कुवैत। यहाँ पर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पर आप अपनी डेट देंगे, किस डेट को आप जाना चाहते हैं। इसमें कैलेंडर आ जाएगा, इसमें कोई भी आप चूज कर सकते हैं। चलिए हम 27 यहाँ पर चूज कर लेते हैं। अगर आप राउंड ट्रिप बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न डेट भी देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आप ट्रेवलर की डिटेल्स देंगे, कितने एडल्ट्स हैं आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसको ऐड करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ से अपनी क्लास चूज करेंगे, इसमें आपको इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास सब मिलता है। चलिए हम इकोनॉमी चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। न्यू दिल्ली से कुवैत जितनी भी फ्लाइट्स जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने बताया 85 फ्लाइट्स जा रही हैं, तो उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें आप अपने टाइम और प्राइस के हिसाब से कोई एक फ्लाइट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। टाइम देखिए यहाँ पर शो हो रहा है और प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है। ये फ्लाइट कितना टाइम लेगी वो भी देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट चेक करेंगे और जो भी आपको सस्ती लगती है और आपके हिसाब से सही लगती है उसे आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ओमान एयर है, इसका जो प्राइस है काफी कम है, चलिए हम इसी को चूज कर लेते हैं। ये फ्लाइट कितने स्टॉप लेगी वो यहाँ पर शो होता है, ये 1 स्टॉप लेगी। ये दिल्ली से पहले MCT जाएगी और फिर MCT से ये कुवैत जाएगी। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलेगा, आप 499 रुपीज में यहाँ पर अपनी फ्लाइट का इंश्योरेंस करा सकते हैं। जिसका फायदा आपको ये होगा कि अगर आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है किसी वजह से तो आपको $500 मिलेंगे, और अगर आपके बैगेज यहाँ पर लॉस हो जाते हैं तो आपको $500 मिलेंगे, और अगर आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तब आपको $2.5 लाख यहाँ पर मिलेंगे। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको ऑफर्स मिलेंगे, इसमें से आप कोई एक चूज करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एड ऑन्स आ जाएगा, इसको आप स्किप कर दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर सफर करने वाले यानी ट्रेवलर का नाम देना होगा, इसके लिए एडल्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टाइटल चूज करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नीचे यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर अपना वीजा टाइप चूज करेंगे, यहाँ पर अपनी कंट्री चूज कर लेंगे। नीचे आएंगे यहाँ पर अपने वीजा की एक्सपायरी डेट आप डालेंगे और यहाँ एड ट्रेवलर पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रेवलर की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इसी तरह से आप और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पर्सनल और बिजनेस। अगर आपका ये ट्रिप बिजनेस है तो आप यहाँ पर बिजनेस चूज करेंगे और अपनी कंपनी की आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालेंगे। और अगर आपका ये ट्रिप पर्सनल है तो आप यहाँ पर्सनल चूज करेंगे और आपको कुछ और नहीं डालना पड़ेगा। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना है 10,462 रुपीज। यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट के आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफर्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप गूगल पे से पे करेंगे तो 500 रुपीज का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप UPI से करेंगे तो इसमें भी आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने कार्ड की पूरी डिटेल्स देंगे और इसके बाद यहाँ पे सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, वो डालेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। एक बार टिकट कंफर्म हो जाने के बाद आपकी ईमेल पर भी उसकी डिटेल्स आती हैं, आपके मोबाइल फोन पर SMS आता है और साथ ही आपको WhatsApp भी किया जाता है।
इसके अलावा आप यहां पर क्लिक करके भी अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। माय ट्रिप पर आप क्लिक करेंगे, कोई भी फ्लाइट्स या रूम अगर आप बुक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहां पर आएगी। जैसे कि हमने ये बुक किया था तो इसकी डिटेल यहां पर आ रही है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो नीचे यहां पर हेल्प का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप चूज कर लेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप चाहें तो यहां पर लाइव चैट भी कर सकते हैं।